सिंगरौली में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीएल सिंगरौली के बीना इको पार्क का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि कोरोना के चलते यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित हुआ, जिसमें एनसीएल सिंगरौली की सभी परियोजनाएं एवं कोल इंडिया की सभी कंपनी ई माध्यम से जुड़ी रही। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन में 150 स्थानों पर 6 लाख से अधिक पौधों के रोपण तथा 5 लाख से अधिक पौधों के वितरण के लिए कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया को शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि इस इको पार्क का अनुमानित क्षेत्र लगभग 70,000 वर्ग मीटर है तथा यहाँ स्थित जलाशयों की क्षमता 2,10,000 घन मीटर की है। पार्क में विभिन्न वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के साथ ही खदान के पानी का भी 100% उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। गौरतलब है कि एनसीएल में वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत करीब 80,000 एकड़ भूमि में 80,000 से अधिक पौधों का रोपण तथा 20,000 से अधिक फलदार पौधों का वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सांसद रीति पाठक, एनसीएल सीएमडी प्रभात कुमार सिन्हा सहित कई लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। आज की इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे कोयला मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी जुड़े, जिनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि आज हम एक साथ पूरे कोल इंडिया की तरफ से 6 लाख पेड़ एक साथ आज हम लगाने का अभियान आज हमने लिया है, जो वृक्षारोपण अभियान के इस कार्यक्रम के तहत आज शुभारंभ करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।